अब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंचना होगा और भी आसान, वो भी एक रेल नेटवर्क के जरिए से। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया टाउन में स्थित है, जब इसकी स्थापना की गई तब इसके आसपास कोई रेलवे स्टेशन नहीं था। लाखों लोग इन्हें देखने के लिए दूर दूर से बाय रोड ही आते थे, मगर बाद में भारत सरकार ने फैसला किया गया क्यों ना इस जगह को रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जाए, जिससे लोगों को यहाँ तक पहुँचना काफी आसान हो जाएगा। फिर इस टाउन को वडोदरा प्रताप नगर से आ रही रेलवे लाइन से जोड़ने का काम शुरू कर दिया। वैसे तो वडोदरा प्रताप नगर से डबोई जंक्शन तक 30 किलोमीटर के ट्रैक पर पहले से ट्रेन दौड़ रही है, जो कि वडोदरा प्रताप नगर से डबोई और छोटा उदयपुर होते हुए अलीराजपुर तक जाती है। डबोई जंक्शन से चांदोद तक 18 किलोमीटर ट्रैक पर पहले से छोटी रेल लाइन वाली ट्रेन दौड़ती थी, फिर इस छोटी लाइन से बड़ी लाइन में बदलने का काम शुरू कर दिया और साथ में चांदोद से आगे केवड़िया तक 32 किलोमीटर का नया ट्रैक बिछाने का काम भी शुरू किया गया। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो ऐसी और न्यूज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रेल मंत्री का कहना है कि आने वाले 31 दिसंबर को केवड़िया रेलवे स्टेशन को रेल नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा और भारतीय रेलवे ने उन ट्रेनों को अनाउंस भी कर दिया जो केवड़िया रेलवे स्टेशन को भारत के कई हिस्सों से जोड़ेगी। आइए जानते हैं उन ट्रेनों के बारे में। दोस्तों, पहली ट्रेन है 12927 12928 मुंबई वडोदरा सुपरफास्ट ट्रेन और दूसरी ट्रेन है 20903 20904 वाराणसी वडोदरा महामना वीकली सुपरफास्ट ट्रेन और तीसरी ट्रेन है 20905 20906 रीवा वडोदरा महामना वीकली सुपरफास्ट ट्रेन। इन तीनों ट्रेनों का एक्सटेंशन केवड़िया रेलवे स्टेशन तक कर दिया है और साथ में दो न्यू मेमो ट्रेन भी चलाई जाएंगी जो प्रताप नगर से केवड़िया के मध्य चलाई जाएंगी और आने वाले टाइम में इस जगह के लिए और ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और ऐसी और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।